16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। इसके बाद 20 अप्रैल को उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए इस इलाके में कई मकानों और इमारतों पर बुलडोजर चलवा दिया, जिसमें एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा था। सोशल मीडिया पर इसकी खूब आलोचना हुई और इन सब के बाद राजस्थान के अलवर जिले में मंदिरों पर बुलडोजर चलाने का एक वीडियो मेनस्ट्रीम मीडिया तक पहुंच गया। इसे शेयर करते हुए दावा किया जाने लगा कि कांग्रेस सरकार ने जहांगीरपुरी में मस्जिद का गेट तोड़ने का बदला मंदिर तोड़ कर लिया। न्यूज 18 टीवी चैनल ने अपने शो देश नहीं झुकने देंगे में दावा किया कि जहांगीरपुरी का बदला लेने के इरादे से अलवर में मंदिर तोड़ा गया। जहांगीरपुरी वाला बदला महादेव पर हमला, ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं, फिर से रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जहांगीरपुरी वाला बदला महादेव पर हमला, सोचिए अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या इतना बड़ा इत्तेफाक है, मतलब इतना बड़ा संयोग है कि दो दिन पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट पर बुलडोजर चला, दो दिन पहले, और आज राजस्थान के अलवर में तीन मंदिर तोड़ डाले गए। एक मंदिर तो 300 साल पुराना था। अब ये इतना बड़ा इत्तेफाक है या कुछ कनेक्शन है, ये जहांगीरपुरी का बदला है क्या? आप फिर से सवाल को सुनिएगा, ये देखिए मूर्ति को कैसे खंडित किया गया, कैसे खंडित किया गया है। दो दिन पहले जहांगीरपुरी में मस्जिद के सामने वाले गेट या मस्जिद के सामने बुलडोजर, दो दिन पहले, आप समझिए, इन दोनों चीजों को लिंक करिएगा। इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि दो दिन पहले 20 अप्रैल को मस्जिद के गेट पर बुलडोजर और अब दो दिन बाद मंदिर पर बुलडोजर, क्या ये जहांगीरपुरी का बदला महादेव पर हमला? जैसा कि आपने देखा, चैनल ने मंदिर तोड़े जाने की घटना 22 अप्रैल की बताई। न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा ने भी ट्वीट करते हुए ऐसा ही दावा किया था। बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। उन्होंने शो के दौरान सांप्रदायिक दावा करते हुए कहा कि मस्जिद तोड़ने का बदला मंदिर तोड़कर लिया गया। आज तक टीवी चैनल ने अपने शो हल्ला बोल विद अंजना ओम कश्यप में ग्राफिक्स के जरिए ऐसा ही दावा किया। इस शो में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगाया। दुखद यह है कि जहांगीरपुरी में, दिल्ली में एक वैधानिक कार्य को जिस प्रकार से आपने कम्युनल रंग देने की कोशिश की, जिस प्रकार से आपने धर्म का अमली जामा पहनाने का प्रयास किया, और जो आप आज राजस्थान में कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक बदले के भाव के साथ वोट बैंक की पॉलिटिक्स को कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार आगे बढ़ा रहा। रिपब्लिक भारत ने भी ऐसा ही दावा किया। हिंदुओं की आस्था पर चोट, गहलोत की नीयत में खोट। मंदिर में बुलडोजर चला, जहांगीरपुरी का बदला। दिल्ली की लड़ाई, राजस्थान में कार्रवाई। देखिए, भाजपा राजस्थान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जहांगीरपुरी का बदला मंदिर तोड़कर लिया गया। बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया था। जबकि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि जहांगीरपुरी का बदला लेने के लिए राजस्थान के अलवर में मंदिर तोड़ा गया। कीवर्ड सर्च करने पर हमें 22 अप्रैल का आज तक का आर्टिकल मिला। रिपोर्ट में अलवर जिला प्रशासन के हवाले से कहा गया है कि अतिक्रमण 17 और 18 अप्रैल को हटाया गया था। 17 अप्रैल के जी राजस्थान के ट्वीट के मुताबिक अलवर जिले में राजगढ़ में मास्टर प्लान के तहत मकानों और दुकानों पर कार्रवाई की गई। यानी ये मामला 20 अप्रैल से पहले का है। जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट पर बुलडोजर 20 अप्रैल को चला था। डेट फिल्टर के साथ ट्विटर पर कीवर्ड सर्च करने से ऑल्ट न्यूज को 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को पोस्ट किए गए दो वीडियोस मिले। ये वही वीडियोस हैं जिन्हें न्यूज 18 ने 22 अप्रैल की घटना बताया था। ये दरअसल जहांगीरपुरी में हुई घटना के पहले से सोशल मीडिया पर मौजूद है। यानी जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाते वक्त मस्जिद के गेट को हुए नुकसान का बदला लेने के इरादे से राजस्थान में मंदिर तोड़े जाने का दावा पूरी तरह से गलत है। खंडित किया गया उससे समस्या है, लेकिन दोनों चीजों को लिंक करिए और बहुत ध्यान से सोचिएगा कि धमकी भी दी गई थी कि कुछ होगा, मस्जिद के सामने बुलडोजर और अब मंदिर पर बुलडोजर। जहांगीरपुरी में बुलडोजर के बाद सीधे मंदिरों पर बुलडोजर चला दिए गए, इतना बड़ा कोइंसिडेंस। मीडिया चैनल्स ने बिना इन वीडियोस की सच्चाई जाने इन्हें जहांगीरपुरी में हुई घटना से जोड़ दिया। इन भ्रामक खबरों पर संज्ञान लेते हुए राजस्थान पुलिस ने न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा के खिलाफ भड़काऊ रिपोर्ट प्रकाशित करने के मामले में राजद्रोह समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है।